जमीन पर कब्जे का इल्जाम, नून लीग के MLA अफजल खोकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से गिरफ्तार। अफजल खोकर के खिलाफ थाना नवाब टाउन में जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा बरतानिया में मुकीम मोहम्मद अली जफर की मुदयत में दर्ज किया गया। कई साल कबल तारिक महमूद नामी शख्स ने 34 मरला जमीन खरीदी थी, अब उस जगह पर खोकर पैलेस बन चुका है। FIR का मतन। तमाम जायदादें कानूनी हैं, कोई कब्जा नहीं किया, हमारे खिलाफ किसी ने दरखास्त नहीं दी और ना ही कोई नामजद है। सैफुल मुल्क खोकर की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। लाहौर का व्हाइट हाउस खतरे में, व्हाइट हाउस का एक और केस बेनकाब, पहले पास नक्शा फिर मंसूख नक्शा और अब LDA का भी मंजूर नक्शा सामने आ गया। 60 कैनाल पर मोहित खोकर पैलेस के सिर्फ 9 कैनाल अरासी की मंजूरी ली गई। शफी खोकर, अफजल खोकर और सैफ मुल्क खोकर के नाम 4 नक्शे पास हुए। करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार LDA के साबिक डायरेक्टर राय अशरफ ने नक्शे पास किए। चीफ जस्टिस का DG एंटी करप्शन को शफी खोकर से तफ्तीश करने का हुक्म। अफजल खोकर की जमीनों को जब्जा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश किया जाए चीफ जस्टिस। इंसाफ भी होगा और फाये भी इसी अदालत से लगोगे, चीफ जस्टिस का शफी खोकर से मुकालमा। यतीमों और बेवाओं की जमीनें हड़प कर गए, आज तक जो करते रहे उस पर खुदा का खौफ नहीं आया, चीफ जस्टिस के रिमार्क। नवाज शरीफ की कोर्ट लखपत जेल मुंतकली, लीगी कारकुन और पुलिस आमने सामने, पुलिस के साथ धक्कम्पेल, गेट पर लगे बैरियर्स को हटाने की कोशिश, कारकुनान के नारे। खातीन कारकुन भी जेल के बाहर मौजूद, लीगी मतवालों का फाटक गेट पर धरना, कायद से मुलाकात कराने का मुतालबा। नवाज शरीफ को जेल में डालने वाले जल्द खुद बैरिकों में होंगे। पुलिस ने पुरअम कारकुनान पर लाठीचार्ज किया, परवेज मलिक का इल्जाम, कारकुनान ने जेल के बाहर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। नवाज शरीफ को कड़े पहरे में एयरपोर्ट से कोटलक पर जेल लाया गया। गाड़ियों का काफिला मॉल रोड, गिरजा चौक से वॉल्टन रोड और फिरोजपुर रोड के रास्ते कोटलक पर जेल मुंतकिल किया गया। जेल के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नवाज शरीफ को जेल में बी क्लास की सहूलत, बैरक में TV, अखबार, मैट्रेस, 3 कुर्सियों के साथ मेज दस्तयाब होगी। घर से कपड़े, बर्तन और खाना मंगवाने की भी इजाजत होगी। जेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। बैरक नंबर 1 में मुंतकिल जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ अली सरदारी, इमरान खान, जावेद हाशमी और ख्वाजा आसिफ इसी बैरक में जेल काट चुके हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आजादी की नेमत दिलाई, पाक वतन का तोहफा दिया, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का आज 143वां योम पैदाइश। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की जिंदगी जुर्रत, अंथक मेहनत, दयानतदारी और हक गोई से इबारत है। शहर भर में कायदे आजम की सालगिरह पर तकरीबात, बाबाए कौम को सलाम। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का यौम विलादत, ISPR ने कायद डे पर नया नकमा जारी कर दिया। नून लीग की जानिब से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कायद डे पर केक काटने की तकरीब, परवेज मलिक,
अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, चौधरी शहबाज और डेप्यूटी मेयर्स की शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। सीसीपी ऑफिस में भी कायद डे पर केक काटने की तकरीब। जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स ने कायद आजम के यौम पैदाइश पर केक काटा। कायदे आजम ने कहा था, काम काम और बस काम। जिन्होंने अपनी जिंदगी पर खेलकर मुल्क बनाया, हम उनकी याद छुट्टी करके मनाते हैं। चीफ जस्टिस के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कानूनी हैसियत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वजीर कानून और वजीर सेहत अजाफी हैसियत में तलब। बुजरा अदालत में पेश होकर यूनिवर्सिटीज की मंजूरी से मुतालिक तफसीलात से आगाह करें चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ को तोहीन अदालत का नोटिस जारी। दो दिन में जवाब तलब। बोर्ड मेंबरान की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई चीफ जस्टिस। पायलट्स और कैबिन क्रू की डिग्रियों की तस्दीक के हवाले से अस्कुत नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट का 28 दिसंबर तक तमाम अफराद की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म जारी। जो वाजे और साफ डिग्रियां फराहम ना करे उसे फारिग कर दें चीफ जस्टिस। बहुत से पायलट्स और कैबिन क्रू की फराहम करदा डिग्रियां पढ़ने जाने के काबिल नहीं। वकील सिविल एविएशन। घरेलू मुलाजमा दो बहनों पर तशद्दुद का केस। साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू का बेटा अमीन कांजू कमरा अदालत से गिरफ्तार। अमीन कांजू ने यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्जाम लगाकर शदीद तशद्दुद किया। वालिदैन का मौकफ। क्रिसमस का त्यौहार, मसीही बरादरी की खुशियां हजार। मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रही है। गिरजाघर क्रिसमस ट्री से सज गए, सेंटा क्लॉज बने बच्चों की एक दूसरे को मुबारकबाद। कैथीड्रल चर्च, रीगल चौक और डॉन पास्को चर्च एम्प्रेस रोड में खसूसी इबादत। मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। सेंट मैरी चर्च एमएम आलम रोड पर क्रिसमस की दुआया तकरीब। मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत। फादर फ्रांसिस नदीम ने हजरत ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और अम के लिए खुसूसी दुआएं। मरियम बेदाग चर्च न्यू अनारकली में भी खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। मसीही बरादरी को क्रिसमस पर लाहौर न्यूज की मुबारकबाद। गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम। महकमे बल्दियात और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आमने सामने आ गए। बल्दियाती नुमाइंदों की तरक्याती और स्ट्रीट स्कीमें सियासत की नजर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर इत्तला'आत फियाज़ुल हसन चौहान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यू ईयर नाइट से पहले ही वन व्हीलर्स के खिलाफ शिकंजा तैयार। बगैर नंबर प्लेट अप्लाइड फॉर व्हीकल्स, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स और वन व्हीलर्स के हादसात की वजह वालिदैन खुद ही होंगे सीटीओ। वन व्हीलर्स की निशानदेही पर मोटर मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। उम्रा की सादत हासिल करने वाली खातून का लाहौर वापसी पर जहाज में इंतकाल। रशीदा बीबी की मौत एयर ब्लू की परवाज 471 में हार्ट अटैक के बाइस हुई। रशीदा बीबी की अजीजो अकार फूल लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जहाज के अमले ने मैयत उनके हवाले कर दी। खातून फैसलाबाद की रिहायशी थी।
फंड्स की अदम दस्तयाबी, पाकिस्तान हॉकी सुपर लीग एक बार फिर से मुलतवी। आइंदा मार्च शेड्यूल, सुपर हॉकी लीग अब मार्च के तीसरे हफ्ते में करवाने का मंसूबा। 15 से 25 मार्च तक हॉकी लीग की तैयारियां होंगी। 12 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इवेंट में शिरकत की हामी भर ली। हजरत मोश दरिया बुखारी के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज जायरीन की जोग दरबार पर हाजिरी। फातिहा खानी, जिक्र असकार की खसूसी महाफिल का भी इनेकाद किया गया।